की आवाम के लिए इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है कि दौलत की ताकत पर खरीद लेंगे, अरे थूकता हूं तेरी नाजायज दौलत पर। जुल्म करके रख दिए मुंबरा में, अस्पताल बन रहा है म्युनिसिपल अस्पताल 8 साल से बन रहा है, जमीन का रिजर्वेशन, अरे कौन सा गारत का गड़ा है, ये एमएलए का भरता नहीं है, कब्रस्तान की जमीन भी खा लेता, स्कूल की जमीन भी खा लेता। अब इख्तदार चला गया इसके पास से, अब इख्तदार इसके पास से चला गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुंबरा में अब आप मजलिस को एक अच्छी टीम मिली है। सैफ पठान के साथ हमारा रुकने बल्दिया शालम भी है, अच्छी टीम बनी है, आप इनका साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत से मसाइल है। मुंबरा के स्कूल का मसला है, इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को हल करना है। मगर जो लोग ये समझते हैं कि मैं दौलत के बिना पर सबको खरीद लूंगा, अरे जो बिकता है बिक जाएगा, मगर मैं बिक चुका हूं। लोग कहते हैं ओवैसी तुम इनके लिए काम करते हो, तुम फुलां की टीम हो, अरे जालिमो तुमको नहीं मालूम असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है। मैं बिक चुका हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की गुलामी में, मैं बिक चुका हूं इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत में। अरे तुम क्या खरीदोगे, तुम कौन सी बात करते हो, अरे जब तुम हार जाते हो तो हम पर इल्जाम लगाते हो कि फुला टीम ये मीडिया वाले हमसे पूछ रहे थे कि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। एक मीडिया वाले पूछे आपको उद्धव ठाकरे से सिंपति नहीं होती, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जवाब नहीं दिया मीडिया के हमारे दोस्त को, मैं रुक गया क्योंकि शाम में जलसे में जवाब देने में जो मजा आता है ना, उसका मजा कुछ और होता है। हम उन मीडिया के दोस्त से पूछना चाहते हैं, जब मुंबई की सड़कों पर कत्ले आम हो रहा था तो आपको सिंपति नहीं आई, जब टाडा के कानून में लोगों को जेल में डाला जा रहा था जब आपको सिंपति नहीं आई, जब भूल गए क्या? मैं नहीं भूला, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुंबरा बसा तो क्यों बसा, मुंबरा अगर बसा जो 60-65 साल के लोग आज यहां पर बैठे, पूछो उनको किसने भगाया था, उनको किसने उनको मार मार कर भगाया था। मैं भूल नहीं सकता हूं, बड़ी सिंपति पैदा हो रही है। अरे कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे, कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे, कब तक उनसे हमदर्दी करोगे? अरे अपने आप से तो कभी हमदर्दी करो। तुमको मेरी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो सुनो, मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर सकता, मैं सच्चाई को बयान